डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको याद होगा, हमने ग्रामर पोर्शन शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और उसके बाद प्रोनाउन भी आपको बताया था। ठीक है, यकीनन आपको याद हो गया होगा। आपने इसके मुताबिक जो मैंने एक्सरसाइज करवाई थी आपकी बुक से, तो वो आपने कर ली होंगी। आपके पास एक सिलेबस में एक बुक दी हुई है, आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी। ये आप निकालें पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 निकालिए। यहाँ लिखा हुआ है, अब आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करना। सही है, किसी भी चीज़ की, किसी जानवर की, किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी शख्स की, किसी जगह की, किसी मुल्क की खूबी खामी को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। ये देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। आप एडजेक्टिव का टाइटल बना के डेफिनेशन की हेडिंग डालेंगे और यहाँ लिखेंगे एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड डैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। यानी ऐसा वर्ड है, ऐसा अल्फाज एडजेक्टिव जो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी खूबी या खामी को बताता है। प्रोनाउन मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे किसी लड़की की जगह शी इस्तेमाल कर लिया, किसी लड़के की जगह ही इस्तेमाल कर लिया। सही है, ये होता है प्रोनाउन। तो ये मैं आपको पहले ही वाजे कर चुकी हूँ, यानी कि किसी भी चीज़ की नाउन की प्रोनाउन की खूबी या खामी को बयान करना। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल आपको देनी है, जैसे फैट माने मोटा, सॉफ्ट माने नरम, स्वीट माने मीठा। जैसे एप्पल इज़ अ स्वीट फ्रूट, मैंगो इज़ अ स्वीट फ्रूट। तो मैंगो की खासियत क्या है कि वो मीठा है, तो इसकी खासियत या इसकी खूबी ये। ठीक है, शी इज़ अ बैड स्टूडेंट, तो वो बहुत बुरी स्टूडेंट है, यानी ख़राब है। तो उस स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है कि वो बैड है। तो ये उसकी खामी या खूबी बताई जा रही है। सही है, तो इसी तरह किसी जानवर की, जैसे अगर लॉयन इज़ द, उसको क्या कहते हैं, ह्यूज एनिमल, या एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, बहुत बड़ा जानवर है एलिफेंट। तो ह्यूज जो है ना, उसकी क्वालिटी बयान की गई, तो ये इसकी एडजेक्टिव कहलाएगा। आ गई बात समझ में? इसके मुताबिक आपको देखें, ये पहले हेडिंग डालेंगे एडजेक्टिव की। तो पहले हेडिंग डालेंगे एडजेक्टिव की, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये जो 8 एग्जाम्पल आपको, ये जो एग्जाम्पल, ये जो अल्फाज और मायने के साथ ये आपको दिए हुए, ये नहीं लिखेंगे, बल्कि ये जो 1 to 1 से लेकर 8 तक आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ही इज़ अ फैट बॉय, पेज नंबर 38 पे देखिएगा, ही इज़ अ फैट बॉय, ही वॉक्ड ऑन द सॉफ्ट ग्रास। सही है, ये पूरी यहाँ से 8 तक, ये पूरी एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतारेंगे और इसके नीचे जो अंडरलाइन किए हुए उसको अंडरलाइन भी कर देंगे, लेकिन उर्दू नहीं उतारिएगा, उर्दू नहीं उतारिएगा। सही है, इस तरह ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर ये इसके एग्जांपल्स की हेडिंग डाल के ये 8 एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 39 पे आइए। डिग्री एडजेक्टिव की आपको डिग्रीज भी बताई गई हैं, इसकी 3 डिग्रियाँ होती हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हेडिंग डालिएगा, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपेरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव जो नॉर्मली होता है, जैसे गुड, कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे लिया जाता है। सुपरलेटिव सबसे आला, सुपर का मतलब ही होता है सबसे अच्छा, सबसे आला। सही है, तो सुपरलेटिव डिग्री सबसे आला, सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल आपको दी हुई है, जैसे ही इज़ अ फैट बॉय, दे आर एबल टीचर, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टॉय, ये लिखेंगे। उसके बाद ये 3 एग्जाम्पल आगे भी दी हुई हैं, ये हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद ये काइंड ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव लिखी हुई है। फिर ये 3 डिग्रियों के नाम उतारेंगे, ये एग्जाम्पल आपको दी हुई है, देखें 1 2 3, ये 3 एग्जाम्पल यहाँ से उतारेंगे।
उसके बाद पेज नंबर आइए 40 पे। 40 पे आपको देखे तीन तीन एग्जाम्पल और दी हुई है इसकी। ही इज अ फेटर देन द बॉय, मैंने बताया ना ये कंपेरिटिव की, पहले यहाँ पॉजिटिव डिग्री की हेडिंग डाल के ये तीन एग्जाम्पल उतारेंगे, उसके बाद कंपेरिटिव डिग्री की हेडिंग डालेंगे ये तीन एग्जाम्पल उतारेंगे, उसके बाद सुपरलेटिव, ये पेज नंबर 40 पे मैं बता रही हूँ, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री की हेडिंग डाल के तो ये तीन एग्जाम्पल उतारेंगे जो आपको दी हुई है। ही इज अ फैटेस्ट बॉय, वो सबसे ज्यादा मोटा लड़का है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव बताया ना मैंने आपको। दे आर द एबलेस्ट टीचर, वो सबसे ज्यादा काबिल टीचर है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टॉय, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत खिलौना है। सही है, यानी ये तीन तीन मिसालें आपको तीन पॉजिटिव की बताई नहीं है, उसी को तीन डिफाइन किया है कंपैरेटिव के लिए और उसी को आगे तीन डिफाइन कर दिया है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो तीन बस यहाँ तक लिख के आप ये ख़त्म कर दीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो है उसके ये कॉलम बना के ये 10 जो है यहाँ तक उतारेंगे आप। तीन कॉलम बनाएंगे, पहली में लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, दूसरी में लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, तीसरे में लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तीन कॉलम बना के ये लिखा हुआ है बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट। शुरू की 10 उतार लेंगे, यहाँ तक आपका लॉन्ग लॉन्ग लिखा हुआ है, पहले से यहाँ से शुरू करेंगे बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, यहाँ से लेके लॉन्ग तक ख़त्म कर देंगे। लॉन्ग में 10 हो जाएंगे, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, यहाँ तक पूरा अपनी कॉपी में ये तीन कॉलम बना के तीन चीज यहाँ ये डिग्रीज उतार के बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एडजेक्टिव का। आ गई बात समझ में? अगर फिर भी ना आए तो जाहिर है आपके पास तो रिकॉर्डिंग तो होती है, बार बार आप इसको रिवाइज करके सुन भी सकते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव, इसके बाद ये आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जो ग्रामर पोर्शन आपको बना के मैंने कहा था सेपरेट कर लें, उसको ग्रामर पोर्शन में ही करेंगे, फिर आके चेक करवाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप स्कूल आके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी ग्रामर में हम क्या करेंगे।